मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं तीन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आए हैं। इन बच्चों में से एक का नाम होता है जूली, एक का नाम होता है सैम और एक का नाम होता है केला। अब ये बीच वाली औरत है जूली की माँ और ये साइड में खड़ा हुआ चमन है सैम का बाप और हमारे जॉन सीना के बेटी का नाम है केला। अब ये तीनों लड़कियां एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ती हैं और वो बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं और उनके पेरेंट्स भी बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। देखते ही देखते वो बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनके माँ बाप भी बड़े हो जाते हैं। लेकिन जब तक में ये बच्चे बड़े होते जॉन सीना एक और बच्चा पैदा कर देता है और वो अपनी बीवी के साथ रोमांटिक हो रहा होता है और एक चड्डी को मुंह पे लगाए मस्ती कर रहा होता है। तभी उसकी बीवी बोलती है, मैं रोमांस के मूड में नहीं हूँ और ये चड्डी तुम्हारी बेटी केला की है। तभी जॉन सीना उस चड्डी को मुंह से निकालता है क्योंकि उसे बहुत अजीब फील होने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जॉन सीना अपनी बेटी के कमरे में जाता है, वहाँ उसे वाइब्रेटर टाइप का एक चीज़ मिलता है और वो सोचता है इससे उसकी बेटी केला अपना अकेलापन दूर करती होगी। लेकिन तभी उसकी बेटी आती है और वो बताती है कि डैडी ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश है। उसके बाद हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूली अपने बॉयफ्रेंड के साथ बातें कर रही होती है और तभी वो अपने क्लास में जाने लगती है। लेकिन अब उन दोनों का मन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से ज़्यादा बनने का था, आप लोग तो समझ ही गए होंगे। जिन्हें लगता है मैं शादी की बात कर रहा हूँ भैया, आप लोग तो सीधे स्वर्ग में जाएंगे, और जिन्हें लगता है मैं टपाटप की बात कर रहा हूँ, आप सब मेरे साथ नरक में जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि जूली अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि आज वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ टपाटप करने वाली है। उसके बाद केला को भी टपाटप करने का मन होता है और वो डिसाइड करती है मैं भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ टपाटप करूंगी। इन दोनों की बातें सुनने के बाद सैम भी बोलती है मैं भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ टपाटप करूंगी। लेकिन सैम का असली मन तो लड़कियों के साथ ही लगता था क्योंकि वो लेस्बियन थी। अब आज थी इन लड़कियों की प्रॉम नाइट। अब आप लोगों को तो प्रॉम नाइट का मतलब पता ही नहीं होगा क्योंकि हमारे स्कूलों में ऐसी कोई पार्टी नहीं होती थी, लेकिन विदेश के स्कूलों में ऐसी बहुत सी मस्ती भरी पार्टियां होती रहती हैं। आगे हम देखते हैं सैम की माँ को जो उसके नए बाप के साथ रहती है। वो जो पीछे कलुआ खड़ा है वो सैम का नया बाप है क्योंकि उसके पुराने बाप के साथ उसका डिवोर्स हो गया है। और फिर सीन शिफ्ट होता है जूली के घर में जहाँ जूली को टपाटप करने की इतनी जल्दी होती है कि वो अपना व्हाट्सएप ग्रुप अपने लैपटॉप में ही ओपन छोड़ देती है क्योंकि उसमें उन्होंने एक प्राइवेट ग्रुप बना रखा था जिसमें तीनों अपनी मस्ती भरी बातें करते हैं। लेकिन उस दिन जाते टाइम वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी में थी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सैम का पुराना बाप भाड़े पर एक लिमोजिन कार लेके आता है और जिसको देखकर सैम कोई खुश नहीं होती क्योंकि उसकी माँ को छोड़ने के बाद उसका बाप उससे जल्दी मिलने नहीं आता था। अब उसको वहाँ देखकर जॉन सीना और जूली की माँ दोनों की सुलग जाती है और वो पूछती हैं ये यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन वो फिर भी उससे बड़े ही नॉर्मल तरीके से बातें करती हैं। आगे हम देखते हैं कि केला अपने बाप जॉन सीना को अपने बॉयफ्रेंड से मिलाती है जिसका नाम घुंगरू होता है और उसको देखते ही जॉन सीना भड़क जाता है और वो कहता है कि बेटी ये ले चाकू, अगर ये तेरे साथ मस्ती करेगा तो ये चाकू इसकी गांड में डाल देना। सैम अपने बाप को अपने टेडी ब्रियर बॉयफ्रेंड से मिलवाती है जिसके बाद वो सभी पार्टी के लिए निकल जाते हैं। उन सभी के जाने के बाद जूली के कमरे से मैसेज की आवाज़ आती है, तभी जॉन सीना और जूली की माँ वहाँ पहुँचते हैं। उन्हें लैपटॉप में मैसेज तो दिखता है लेकिन वो इमोजीज की भाषा में होता है इसलिए उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। तभी वहाँ पर सैम का बाप आता है और वो कहता है कि ये जो मैसेज है उसमें हमारी बेटियाँ आज टपाटप करने का प्लान बनाई हैं। अपनी बेटियों की ऐसे प्लान को सुनने के बाद जॉन सीना और जूली की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो डिसाइड करती हैं कि वो उन्हें ऐसा नहीं करने दे सकते। लेकिन सैम का बाप बोलता है कि इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाला क्योंकि हमारी बेटियाँ जवान हो गई हैं और उन्हें टपाटप करने का पूरा हक है। लेकिन जॉन सीना और जूली की माँ उसे भी ज़बरदस्ती कार में बैठा लेती हैं और कहती हैं साले तू कैसा बाप है, अपनी ही बेटी को टपाटप करने के लिए मोटिवेट करता है। तभी सैम का बाप बोलता है अबे चूतियों मेरी बेटी तो लेस्बियन है, वो उस मोटे भैंस को हाथ भी नहीं लगाएगी।
और उसके बाद हम सैम को देखते हैं। वो किसी लड़की को ताड़े पड़ी थी क्योंकि उसको लड़कों में तो इंटरेस्ट था नहीं। तभी वो लड़की उसके पास आती है और कहती है कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है लेकिन मुझे सबके साथ सेक्स करना है और तुम्हें भी हर लड़के को ट्राई करना चाहिए। ये बात सुनने के बाद सैम भी डिसाइड करती है कि वो उस मोटे के साथ घपाघप करेगी और तभी उसका बाप उसको देख लेता है और वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो चाहता था उसकी बेटी केवल लड़कियों पर ही फोकस करे। और अब वो भी डिसाइड करता है कि वो अपनी बेटी को उस मोटे सैम के साथ सेक्स करने नहीं देगा। लेकिन उसके बाद वो सभी लड़कियां दूसरी जगह चली जाती हैं और जहां वो जाती हैं वहां भी पार्टी ही होती है और वो पार्टी एक अमीर लड़का दिया होता है। लेकिन उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि वो ऑस्टिन के घर पे गए हैं। ऑस्टिन वही जूली का बॉयफ्रेंड। लेकिन जब वो ऑस्टिन के घर पे पहुंचते हैं वो देखते हैं कि ऑस्टिन के माँ बाप बहुत खतरनाक वाला सेक्स कर रहे हैं। जॉन सीना उन्हें देखता रह जाता है। तभी ऑस्टिन का बाप उन्हें देख लेता है और वो दोनों बाहर आते हैं और तभी जॉन सीना उससे पूछता है कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। तो ऑस्टिन की माँ बताती है कि वो सभी एक अमीर लड़के के घर पार्टी में गए हैं और वो उसको उसका एड्रेस भी दे देती है। आगे हम देखते हैं कि वो तीनों लड़कियां वहीं पहुंच जाती हैं जहां पर पार्टी है और जूली अपने कमरे को अच्छे से सजाती है क्योंकि उसकी सील जो टूटने वाली है। तभी वहां पे उनके पेरेंट्स भी आ जाते हैं लेकिन उन्हें पार्टी में घुसने नहीं दिया जाता क्योंकि ये पार्टी केवल जवान लोगों के लिए थी। तभी जॉन सीना उछल के आगे आता है और कहता है मैं भी तो जवान हूँ एकदम कूल डूड। लेकिन वो लड़के मना कर देते हैं। उसके बाद वो लड़के उन्हें चैलेंज देते हैं, अगर तुम हमें शराब पीने के चैलेंज में हरा दो तो तुम अंदर जा सकते हो। जॉन सीना कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें तुरंत हरा दूंगा। तभी वो लड़के शर्त रखते हैं कि वो शराब तुम्हें मुंह से नहीं बल्कि गांड से पीनी पड़ेगी और गांड से शराब पीने की बात सुन के जॉन सीना की भी गांड फट जाती है। लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए वो इसको भी एक्सेप्ट कर लेता है और तभी शुरू होता है चैलेंज और वो जॉन सीना की गांड में पाइप डाल के शराब डालना चालू कर देते हैं। लेकिन तभी वहां पर आ जाती है पुलिस और पुलिस की आवाज सुनते ही वो सभी वहां से भागते हैं और जॉन सीना जब पात देता है तो वो शराब सैम के बाप के मुंह पे चली जाती है और उसके बाद वो सभी दोबारा प्रॉम नाइट में चले जाते हैं और जॉन सीना और उसकी टीम भी वहीं पहुंच जाती है। तभी जूली की माँ उसको ढूंढते हुए उसके कमरे में जाती है। वो देखती है कमरे में बेड सजा हुआ है। तभी उसकी बेटी जूली वहाँ पर आती है और वो बेड के नीचे चली जाती है। जॉन सीना भी अपनी बेटी को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचता है और फिर वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी जॉन सीना की बेटी कहती है पापा देखो मेरी मर्जी, मैं बड़ी हो गई हूँ, इट्स माय चॉइस, मैं किसी के भी साथ सेक्स कर सकती हूँ लेकिन मैंने सेक्स किया नहीं है और जब मेरा मन होगा मैं तब करूँगी। और अपनी बेटी की ये बात सुन के जॉन सीना भी समझ जाता है कि उसकी बेटी अब जवान हो गई है और वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है। आगे हम देखते हैं जूली की मॉम को, वो उसके बेड के नीचे छुपी है। तभी जूली और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पे आते हैं और वो दोनों रोमांटिक बातें करने लगते हैं और सेक्स करना चालू कर देते हैं। लेकिन तभी जूली की मॉम को एहसास होता है कि उसे अपनी बेटी को करने देना चाहिए क्योंकि उसकी अभी उम्र हो गई है। उसके बाद हम देखते हैं सैम को, वो अपने चूतिया बाप के साथ बैठी होती है और उसका चूतिया बाप उससे कहता है देखो बेटी तुम्हें समाज के दबाव में आकर जबरदस्ती किसी लड़के के साथ सेक्स करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी मर्जी से किसी भी लड़की के साथ सेक्स कर सकती हो। उसके बाद वो तीनों दोबारा आपस में मिलते हैं और बातचीत करते हैं और जॉन सीना बताता है कि मेरी बेटी समझदार हो गई है, उसे जब करना होगा वो खुद कर लेगी। जूली की माँ बताती है मैंने तो अपनी बेटी को जम के सेक्स करने दिया क्योंकि उसकी जवानी फूटी जा रही थी। और सैम का बाप भी बोलता है मैंने भी अपनी बेटी को मोटिवेट किया कि तुम्हें किसी भैंस के साथ सोने की ज़रूरत नहीं है, तुम किसी भी लड़की को चुन सकती हो और उसके साथ रह सकती हो। और इसी के साथ इस मूवी का भी एंड हो जाता है।
तो दोस्तों अब आप बताइए, अगर आपकी भी कोई बेटी होगी तो क्या आप अपनी बेटी को सेक्स करने के लिए ऐसी परमिशन दे पाएंगे या नहीं? आपका जवाब हाँ हो या ना आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह की मस्त मूवी के साथ।